सभी फ्यूचर मेडिकल और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेंगाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि अपकमिंग फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के पैटर्न में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा कुछ चेंजेस किए गए हैं। हालांकि इन चेंजेस की आवश्यकता क्या पड़ी वो तो NB ही बेहतर जानता है, लेकिन जो चेंजेस किए गए हैं उसमें ये किया गया कि पहले जो आपका दोनों पारी में अलग अलग एग्जाम होता था, जिसमें 150 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पारी में आते थे, 150 आपके सेकंड एग्जामिनेशन सेक्शन में आते थे और 150 मिनट्स का टाइम आपको दोनों अलग अलग पारी के एग्जाम्स में पूरा पेपर करने का मिलता था। अभी जो आपका 150 क्वेश्चन और 150 मिनट्स हैं, अब उनको डिवाइड कर दिया गया है 3 अलग अलग सेक्शंस में, A, B और C। सेक्शन ए में 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस होंगे। यदि इन 50 क्वेश्चंस को आप 40 मिनट में भी कंप्लीट कर लेते हैं या 30 मिनट में भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो जब तक ये 50 मिनट पूरे नहीं होंगे आप 51 या 51 क्वेश्चन पे नहीं जा पाएंगे। ये 50 मिनट पूरा होने के बाद ही आप सेक्शन बी में 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बार यदि आप सेक्शन बी में एंटर हो जाते हैं 50 मिनट्स के बाद में और आप चाहते हैं कि सेक्शन ए में कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आपको रिकॉल हुआ और आपको लगा कि मैंने उसका आंसर गलत लॉक किया है, मुझे चेंज करना चाहिए या मुझे उसको रिव्यू के लिए रिव्यू के लिए होल्ड रखना था, तो आप नहीं कर सकते हैं। सेम वे में 51 से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद यदि आपके 50 मिनट से कम का टाइम है आपके पास या 50 मिनट से पहले आपने कंप्लीट कर लिया, या मान लीजिए आपको 50 मिनट्स में आप 45 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाए हैं, तो आप ऑटोमेटिकली सेक्शन सी में चले जाएंगे जहां आपको 101 से लेकर 150वें तक क्वेश्चन मिलेंगे और वापस से आपको 50 मिनट का समय दिया जाएगा। 150 क्वेश्चंस को और 150 मिनट्स को 3 सेक्शन में बांट दिया गया है, इसलिए आप जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाएं तो आपको ध्यान देना है कि 1 से लेकर 50 तक के जो क्वेश्चंस, उसमें कोई भी क्वेश्चन आप अगले सेक्शन में जाने से पहले रिव्यू के लिए ना छोड़ें। हालांकि ये एक इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इससे शायद स्कोरिंग बढ़ेगी, लेकिन ये पहली बार एग्जाम हो रहा है और इससे स्कोरिंग कितनी बढ़ेगी तो एग्जाम के रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा। लेकिन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की इस पैटर्न को देखते हुए जो हमारा अंदाजा है, वो हम ये कह सकते हैं कि सरकार की ये मंशा है कि विदेश जाने वाले मेडिकल की स्टडीज़ करने के लिए जो बच्चे हैं उनको किसी भी तरीके से एन जो भी वो हथकंडे अपना सकते हैं उनको वो अपनाने की पूरी आज़ादी है और वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने पहले फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंस 2021 रेगुलेशन इम्प्लीमेंट किया, जितने भी लोग उसमें कवर कर सकते थे उन्होंने उसको कवर किया। इसके बाद अभी नए रूल रेगुलेशन NB में आए हैं, हो सकता है इसके बाद दिसंबर में ये फिर से आगे बोलेंगे नहीं 3 सेक्शन तो कम है, हम इनको 5 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, 1 to 30, फिर 31 to 60, फिर 61 to 90, 91 to 120, फिर 121 to 150 और हम आपको 30-30 मिनट का टाइम देंगे, क्वाइट पॉसिबल। और यदि आप अपने कोई सिबलिंग्स को या अपने रिलेटिव्स को या अपने किसी फ्रेंड्स को इस बार MBBS अब्रॉड जाने के लिए सजेशन दे रहे हैं तो ये हर्डल्स भी आप उनको बताने नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।